जंग के मैदान में मरना ऐरों गैरों का काम नहीं। यूं तो जंग का दावा करने वाले अनेक होते हैं, लेकिन उन दोनों की दोस्ती बहुत पक्की होती है जिन दोनों के दुश्मन एक होते हैं। आदि किस्सा में सुनावा थानू याद आदा हो सुली ते चढ़ गए सी जुलम ले खड़ गए सी मौत भी कबूल सी शहादता दी प्राप्ति जिना दा असूल सी। ओ बहादुर जिना दा ना अख च अख पाके वेखदा फरेब नू औरंगजेब नू दिता दिल्ली सीस कटा। मैं तुमको बात बोलता उनकी जिंदगी कड़कड़ती ललकारे उमरेड गांव की सूबे दर वीरता ना जी मालू सर। हाँ बचपन से खिलौने उनकी थी भारी तलवारे उतरे जब भी युद्ध भूमि तो कापे दुश्मन सारे। भेजा औरंगजेब ने उदयपान को करने दफन कब्जा पता नहीं था अगले शूर का कैसे चलता मक्का। समय भी वो सुबेदार के लड़के की शादी का हफ्ता फिर भी पहली शादी कोंडाना की फिर रहे भाई जज्बा पहली शादी कोंडाना की फिर रहे भाई जज्बा। सुरी पे चढ़ गई सी यो तक से डरते नहीं जुलम ले खड़ गई सी बेवा जाहो मरते नहीं मौत भी कबूल सी रण से वादा करते नहीं शहादता दी प्राप्ति जिना दा असूल सी। खाब चा अज भी पैरा जो हर मंदिर साहब चीजे जिसम जैन विचार जित का झंडा सी एक हसीस ने दूजे हक बिच ओदे खंडा सी बाबा दीप सिंह सी योदे दा ना। ओ बात बोलता उनकी आज जो स्वराज की वो ताज 9 साल में लड़ने गए थे छत्रपति संभाजी महाराज। 13 भाषक ज्ञान जिनको मराठियों की थे वो लाज 14 साल में बुद्ध भूषण नाम का लिखा लाता शास। 9 साल में 120 लड़ाई लड़े एक बिना हारे बुद्धि नीति और चातुर्य से दुश्मनों के थे धूल चटारे। हिंदुस्तान के सर से लेके पैर तक के वो जीत दिला रहे फिर भी कुछ पितरों के वजह से आखिरकार वो पकड़े जा रहे शहादता दी प्राप्ति जिना दा असूल सी। सदाए शहादतों की खुदा ने सुनाई है आजादी की कीमत हमने खून से चुकाई है खून से चुकाई है।